आज पहुंची है। राजस्थान की मरुधरा पाकिस्तान से सटे सबसे नजदीक जिले बाड़मेर में जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हां, बाड़मेर जिला जहां पर कहा जाता है कि मारवाड़ का ये वो जिला है जहां पर बीजेपी की दाल आसानी से नहीं गलती है, और अगर पिछले विधानसभा चुनाव की स्थिति पर नजर डालें तो 7 सीटों में एक ही सीट बीजेपी को मिली थी और 6 सीट पर कांग्रेस काबिज हुई थी। और बालोतरा भले ही अलग जिला बना हो लेकिन बालोतरा जिले को अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से टेक्निकली यही इसी जिले में बाड़मेर में कंसीडर किया जा रहा है। आज समस्याओं पर बात करेंगे, बाड़मेर की मुद्दों पर बात करेंगे, जो वादे किए गए वो कितने निभाए गए उन पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक करके उनका परिचय कराता हूं। कांग्रेस से दीपक माली जी हैं, नगर परिषद अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ दीपक माली जी का। बीजेपी से दिलीप पालीवाल जी है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और वहीं साथ ही आरएलपी से भी मेरे साथ जालाराम पालीवाल जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं। चूंकि आरएलपी न सिर्फ शेखावटी के अलावा यहां मारवाड़ की धरती पर लगातार पूरी ताकत और जोर आजमाइश कर रही है। अमूमन हम शुरुआत कांग्रेस की तरफ से करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहां पर है, लेकिन आज शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे क्योंकि आज चूंकि नामांकन की तारीख कल बीत चुकी है, अब नाम वापस लेने का दौर होगा और हवाई यात्राएं और चुनाव प्रचार जोर शोर के साथ शुरू हो चुका है। और आज बीजेपी के अमित शाह तो आए थे लेकिन मैं बात आज करूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने आज जयपुर से शुरुआत कर दी है गारंटी यात्रा की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मुझे सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है, और बीजेपी की तो वैसे भी कोई लहर और आंधी मारवाड़ के इलाकों में पता नहीं जनता क्यों नहीं लाकर देती है। इस बार क्या माहौल है बताइए? इस बार माहौल अच्छा है, जैसे गारंटी की बात कह दूं। नहीं, कहे कांग्रेस की तरफ से तो अशोक गहलोत जी ने कह दिया है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर नहीं है, यानी कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, उनका यह कहना है। ये तो अशोक जी का कहना है, जनता का ये कहना है, कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। 2018 में जो इन्होंने झूठे और थोथे वादे किए थे, किसानों का कर्ज माफी और युवाओं को शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 2 याद तक पूरे नहीं हुए। जनता जानती है, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो तो झूठे और थोथे नारे करके, अब ये मारवाड़ की जनता भी इनके झूठे और थोथे नारों में नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाली है। तो ये देखिए, बताइए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार मारवाड़ की धरती पे बाड़मेर में खेलने वाला है, और झूठे वादे आप करते हैं। आज अमित शाह जी ने कहा कि अगर 10 साल यूपीए की सरकार थी उसकी बात करें तो 2 लाख करोड़ दिए थे, और अगर कांग्रेस के बाद जब बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 9 साल में राजस्थान को 8,70,000 करोड़ की सौगात दी है, क्योंकि आप पूछते हैं 24 सांसद ने क्या किया, इतने मंत्री हैं क्या किया, तो आज हिसाब दिया अमित शाह ने नागौर में। बाड़मेर की ताल नगरी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं बाड़मेर की जनता की तरफ से, और कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहां खिलने वाला नहीं है। आपने अगली बार भी देखा होगा 7 में से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की मुखिया अशोक जी गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं की जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को केवल घोषणाएं नहीं रखी, उनको धरातल पर उतारा है और आम जन खुशहाल है। और घोषणाएं जो मोदी जी ने की थी कि 15 लाख रुपए डालेंगे और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को मजबूत बनाएंगे, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। बताया ना अमित शाह जी ने कि 2 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 साल में दिए और 8,70,000 करोड़ यहां राजस्थान को दिए बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और जो अपने इंडिया के अंदर जो जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उनके साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया और उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो कार्य किया है वो राजस्थान के जननायक कांग्रेस की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने किया। दीपक जी ये तो बता रहे हैं कि, दीपक जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, थोती घोषणाएं आप कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं एक बताना चाहूंगा कि आप 2018 का तो 7 में से 6 का कह रहे हैं, 2013 में क्या थी, 7 में से 6 बीजेपी की थी, उस कांग्रेस की 1 थी। झूठी और थोती घोषणा में अभी की थोड़ी कह रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास कह दूं तो गरीबी हटाओ का नारा 71 में दिया था, क्या गरीबी हटी क्या? तो झूठी और थोती घोषणाएं और नारों का काम इतिहास उठा के देख लिए कांग्रेस का रहा है, जनता जानती है। जनता अगर जानती है तो ताली बजा के स्वागत करे, अगर नहीं जानती तो मान ना बजाए। ये देखिए, गरीबी हटाने की बात कर रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि गरीबी हटा दिए गए। बिल्कुल, गरीबी का स्तर जो गरीबी घटी, जब आज राजस्थान एक सुदृढ़ स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान एक मजबूत स्टेट बना है, और जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो 25 लाख का आम गरीब के लिए चिरंजीवी बीमा योजना हो,
चाहे अपने लाखों जो राजस्थान की जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी है उनको उनका ओपीएस पेंशन लागू की, ऐसी कई योजनाएं जो धरातल पर उतरी है उससे आज आप देख लिए सरकार के खिलाफ कोई प्रकार का राजस्थान के दिमाग। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जादूगर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जादू से उन्होंने बिजली गायब कर दी, ये क्यों कहा जा रहा है? गायब नहीं की बिजली, ये ऊपर देखने की बात कर रहे हैं, ऊपर क्या लाइट नहीं है क्या ऊपर जी? यानी कि देखिए ये बता रहे कि अंधेरा, ये बता रहे क्या ये लाइट वगैरह, लाइट बंद बताइए, ये भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं, आऊंगा इन लोगों के पास। आप तो देख रहे हो ना कौन सी लाइटें बंद है, सब लाइटें चालू है, कोई लाइट बंद नहीं, उजाला ही उजाला कर दिया। ये देखिए ये तो स्ट्रीट लाइट तो ऊपर चल रही है, फिर बताइए क्या शहर में आ रही है बिजली? देखिए फ्री भी बिजली आ रही है सर, विकास की बात हो रही है, पीछे देखो वो गार्डन पड़ा है, सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए उठा लिए, कहाँ है देखो हरी डॉब वगैरह साफ सफाई या गार्डन में। एक ऊंट बनता है 1 करोड़ रुपए के अंदर, आप उस ऊंट पे देख लो, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप ऊपर कैमरा ऊपर करो, 2 लाइट चल, पूरा पुल देख लो सब। या सर आप यदि चुनाव बारिश के टाइम आते ना तो यहाँ पर पहाड़ी की नदियाँ होती, ये थोड़ा पीछे देखो पूरा भरा हुआ है गार्डन, ये गलियाँ नहीं नदियाँ बहती साहब, गलियों के अंदर नदियाँ होती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, सभा परेशान होकर उप सभापति सुल्तान सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था, चेक कर लो, सब लॉलीपॉप है, कांग्रेस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ठीक जी, देखिए ये गार्डन की भी बात करी, अब अंधेरे में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि लाइटिंग वगैरह हम यहीं पे पूरा सेटअप किया हुआ है, गार्डन की क्या स्थिति है, आप और मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ पर गार्डन में जा सकते हैं क्या घूमने के लिए? बाड़मेर के इतिहास में पहली बार बाड़मेर शहर के जितने भी चौराहे जितने भी गार्डन इतने अच्छे बने हैं कि लोग वहाँ पर देखे 2-3 हजार लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो इनको तो हमारी खिलाफत ही करनी है, खुद ने कुछ किया नहीं, और जोर से बोलो और झूठ बोलो इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। क्या झूठ बोलो जोर से बोलो ताकि सच मान ले लोग? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने इतने सब बातें बताई, इन बातों का तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, झूठ कौन बोल रहा है? नगर परिषद बाड़ में मैं अभी आपसे निवेदन करना बताना चाहता हूँ जनता को, राजस्थान की जन सरकार जब बनी, बनते ही 6 महीने के अंदर इस सरकार में सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाला इनका सीनियर विधायक भरत सिंह जी, उन्होंने लगाया ये सरकार भ्रष्ट है प्रमोद भाया जैन पे, और हमारी बाड़मेर की ये श्रीमान चेयरमैन साहब विराजे हैं, इनका बोर्ड है, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप हम तो लगाते ही है, इनके सीनियर पार्षद दम्मा राजी माली ने थोड़े समय लगाया गया 1000 करोड़ का घोटाला किया, आप बताइए आरएलपी के क्या जालाराम जी संभावनाएं हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? थोड़ा उधर हाँ देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पिछले 70 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो माग ठग बन चल रहा है वो इस 2023 के चुनाव के अंदर खत्म होगा और तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी। मोर्चा कहां है तीसरा? आप तो अकेले ही है ना, मोर्चा कहां से आ गया तीसरा? अकेले कैसे हैं? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी के आज तक कितने विधायक आए किसी भी पूरे राज्य में पूरे देश में देख ले तो? अब देखिए अच्छा तो आजादी से पहले कोई पार्टी भी नहीं थी ना, अभी पार्टी नहीं बनी है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता है ये आपस के अंदर आरोप ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पिछली बार 2018 के चुनाव हुए और चुनाव से जब उनके यहाँ राहुल गांधी जी की जो थी और गांधी ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर मैं किसानों का कर्जा माफ करा दूंगा जो ही सरकार बनते ही, 10 दिन जो बातें करी उन बातों से ये कांग्रेस सरकार मुकर गई, 1 भी रुपए का किसानों का कर्जा माफ नहीं हो। मैं और बात बताता हूं कि उसी प्रकार केंद्र के अंदर बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कृषि कानून लाकर जो थोपे उसके लिए 1 साल तक किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया और 1000 से ज्यादा किसानों ने वहां शहादत दी। ये दोनों पार्टियां जो किसानों के लिए जो बातें करती है ये दोनों पार्टियां किसानों के साथ धोखा करती है। और मैं बात करूंगा युवाओं की, जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसका पेपर नहीं हुआ हो, और मैं बात करूंगा केंद्र की सरकार की, जिस सरकार ने यहाँ के जो युवा थे जो सेना भर्ती के अंदर जाते थे और सेना भर्ती के अंदर ठेके पे दिया उसके लिए भी बड़े आंदोलन, राजस्थान के अंदर हमारे नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने जोधपुर के अंदर टीओडी के खिलाफ 2 लाख बिल्कुल जाहिर तौर पर जब आरएलपी की तरफ से यहाँ पर बात रखी गई तो कुछ तालियां भी यहाँ पर बजी। क्या तीसरे गठबंधन की कुछ हलचल कुछ सुगबुगाहट है क्या, या फिर बीजेपी और कांग्रेस जो उल्टा पलटी होती है रोटी पलटती है, राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था, इस बार भी ऐसी रोटी पलटेगी?
यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस अलग है ही नहीं, ये यहाँ पर आपने दो लगाए हैं इनके लिए खड़ा होने के लिए, ये दोनों रियल में एक है, एक ही गाड़ी में आए हैं और अभी जब वहां मिलने गए थे पीछे से हाथ मिलाया है, ऐसे हाथ मिलाया है, इन्होंने गठबंधन कर रखा है और यहाँ के जो विधायक जी है उन्होंने एक बलदेव नगर, ये दोस्ती तो रहनी चाहिए ना इसमें, ये थोड़ी है कि एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी लगाई, ये तो अच्छी बात है ना, दोस्त लगा रहे जनता के सामने, पीछे से हाथ मिला रहे, वो ढंग से देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा, हमें नजर आ रहा है, हाथ मिला रहे, वो एक ही है। देखो आज की तारीख में दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया कि कार पुलिंग और ऑड इवन की बात हो रही है, इसीलिए ही दोनों एक गाड़ी में बैठ गए हैं या फिर कुछ अंदर खाने चल रहा है पक रहा है? दीपक जी देखिए, राजनीति राजनीति की जगह होती है, आपसी रिश्ते राजनीति के अंदर कभी खराब नहीं करने चाहिए, आपसी जो रिश्ते है रिश्ते रहते हैं, राजनीति का मंत्र राजनीति बताइए आप। मैं तो भैया इधर से आया हूँ देखा और ये इधर से आए हैं, मालूम नहीं कैसे हाथ मिले हुए हैं, मैं तो इधर से आया, मेरी स्कूटी खड़ी है, रही है इधर से आए। ठीक ठीक है, चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे लेता हूँ, भैया आ रहा हूँ सर मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये केडर बेस्ड पार्टियां कहलाती हैं और 30-30 साल से जो व्यक्ति इनके कार्यकर्ता के रूप में काम करता है उनको ये किसी तरह का तवज्जो नहीं देते, और जो आज ज्वाइन कर, समझ गया आपका सवाल, समझ गया जी बोले, उसको कल बाड़मेर में राजस्थान सरकार ने 5 रुपए में पट्टे देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पे लोग मौजूद है इनमें से पूछ लो आप किसी एक को भी कोई पट्टा नहीं। बिल्कुल, और सवाल आप। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है, जब भी वोट आते तो वादा करते हैं कि भी बलदेव नगर को नगर पालिका के अंदर लेंगे, पहले बीजेपी ने वादा किया था फिर कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज तक बलदेव नगर को नगर पालिका के अंदर लिया है, इनसे ये क्वेश्चन करिए आप। सभापति महोदय ने अभी बोला था कि सही सर्किल जो मुद्दा था, आप सर्किल की जाके हालत देख लो पहले आप। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये युवा हैं, इनका कहना है कि 30-30 साल से लड़ रहे हैं। हेमाराम चौधरी जी ने एक मिसाल पेश की, कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, किसी युवा का मौका दे दीजिए। 73 साल के हेमाराम चौधरी जी की उम्र थी और 78 साल के युवा को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, क्या युवा यहां पर दिखाई नहीं देते कांग्रेस को? बिल्कुल, युवाओं को भी टिकट मिलेगी, कब मिलेगी, कब आएगा युवाओं का नंबर? वो तो बोल रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए आप। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को कई जगह मौका दिया है। मैं बात करूंगा, 85 साल के आपके एक प्रत्याशी हैं, 1980 से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, 10वां चुनाव ये लड़ रहे हैं, क्या युवा नहीं है कांग्रेस के पास कोई? नहीं, कांग्रेस पास युवा बहुत है, हमारे राहुल गांधी युवा है। तो चुनाव युवा का दरी उठाने के लिए, कुर्सी उठाने के लिए ही है? नहीं, वो अभी वो उनकी परीक्षा की घड़ी है, वो पूरा पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। युवाओं की परीक्षा की घड़ी है जी, बीजेपी को भी लगातार टिकट रिपीट ही हो रहे, बताइए। नहीं, यहाँ तो हमने दीपक कड़वा सर को दी युवा है, स्वरूप सिंह खारा को दी शिव से वही युवा है, आदुराम जी मेघवाल को चौटन से दी वो युवा है, के बिश्नोई को जो घोटाला मना से दी वो भी युवा है, अब कितने युवा गिना? ठीक है, बिल्कुल, आरएलपी को भी कुछ कहना है यहाँ पे। बाद में जो विधानसभा सत्र है, यहाँ पर जो टिकट भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है वो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को पूछ कर देती है कि किसको टिकट देनी आपके सामने, ये वास्तविकता है। जो मेहनत करता है उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी आज नहीं दी, आप देख लो। मैं गिनाऊं कि आरएलपी ने कितने बीजेपी के बागी और निर्दलियों को टिकट दिया है, बागियों को दिया है, कांग्रेस से नाराज लोगों को दिया है, मैं आरएलपी का भी अब किताब आपको, आपकी बात सही है, आरएलपी तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि आरएलपी भी देती है बीजेपी और कांग्रेस के नाराज लोगों को? ऐसी बात नहीं है ना, बीजेपी और कांग्रेस के जो नाराज जो सक्षम लोग हैं, जो वास्तव में जिनको चुनाव लड़ना चाहिए, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको वो टिकट। आप कुछ कहना चाहते हैं बोलो भैया। बाड़मेर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, एक दूसरे के कहने पर टिकट देते हैं, और बाड़मेर बीजेपी का टिकट एक आम कार्यकर्ता का टिकट, का उस कार्यकर्ता को टिकट दिया सब मिली भगत का युवा को, युवा की बात कर रहे हैं, युवा की, युवा को हमारे को बाड़मेर से कांग्रेस राजनाथ सिंह राठौर चाहिए सर। सर मेवा राम जी ने विकास नहीं करवाया, विकास के नाम पर 40-50 करोड़ रुपए कमाए थे, 20 करोड़ सीडी को दबाने में दिए और 20 करोड़ टिकट खरीद लिए। कांग्रेस ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया राजस्थान के अंदर, और सबसे ज्यादा है जो राजस्थान में कांग्रेस ने युवाओं को टिकट दिए 22 लाख, और ये बोल रहे हैं ना सर जी। हाँ बोलो बोलो बोलो, युवा की बात कर रहे हैं तो आप हमारे सामने आप देख लीजिए कि बाड़मेर के नगर के सभापति जो है आपको युवा नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, उप सभापति देखिए युवा है। मैं कह रहा हूँ हमारे राजस्थान में ये सचिन पायलट है, जैसे अशोक चांदना है, यानी जो 30 मंत्री थे 30 में से 20 युवा है। बाड़मेर के एमएलए ने इतना काम करवाया, 3 बार से रिपीट होगा, बिना काम से 15 साल। समस्या मुद्दे बताइए यहाँ के। पेपर
सबसे ज्यादा लीक हुए हैं और राजस्थान के अंदर हुए हैं। युवाओं की ये बात कांग्रेस सरकार करती है, जब ये युवाओं के पेपर सही तरीके से नहीं करवा सकती तो इस्तीफा दे अशोक गहलोत। बिल्कुल, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे आपसे सवाल हो चुका है, युवाओं को टिकट कब मिलेंगे? जब बुढ़े मर जाएंगे। बुढ़े मरेंगे नहीं, युवा आगे आएंगे नहीं। जब तक जो बुढ़े जिंदा हैं, युवा एक भी आगे नहीं आएगा, ना युवा को ये आने देंगे, क्योंकि जब तक जिंदे पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ स्वार्थी है और स्वार्थी नेताओं को टिकट मिल रही है। बीजेपी ने पैरासूट उम्मीदवार उतारा है जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, और बीजेपी नाटक करती है कि हम सर्वे के आधार के ऊपर। समस्या बताओ तो मुद्दे क्या है, क्या अगर प्रत्याशी को लेकर नाराज? एक मिनट सर, सबसे बड़ी समस्या है ये पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। हमारे यहाँ पर बात हो रही है कि हर जगह युवाओं को कांग्रेस और भाजपा कह रही है मौका दिया जा रहा है, ठीक है। आप बाड़मेर विधानसभा को देख लो, 78 साल का मेवाराम युवा है, लेकिन आदर्श सिंह को दरकिनार किया गया बीजेपी के अंदर। अब तो मेरे भाई हो गया, नामांकन हो गया है, तो फिर अब बताए, अब तो आपके सामने प्रत्याशी हैं। जी हाँ बिल्कुल, अरे यहाँ की कहावत है, ना मड़ो मरे ना मातो छोड़े, ठीक है सर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, जहाँ बुढ़ा मर रहा है ना चार पाई छोड़ रहा है। कुछ बोलो। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के जो अध्यक्ष खड़े हैं ये कह रहे हैं हमने विकास करवाया है, हमारे गांव के अंदर पाइप में चूहे घूम रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मकोड़े आ रहे, मकोड़े पाइप के अंदर, जो टंकिया बना के पाइप घर घर दिया, लाइन दिया, उसके अंदर मकोड़े आ रहे पानी की जगह। बिल्कुल यहाँ का पानी, यहाँ हमारे बॉर्डर के इलाके है, वहाँ के पानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बाड़मेर का विकास की बात कर रहे हैं। तो लोगों के जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल है, नहीं लोगों के बीच में जुड़ते हुए यहाँ पर हम जवाब ले रहे हैं। एक बार मैंने बोला था हो गया है, लेकिन फिलहाल मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, उसके बाद उस तरफ के लोगों के पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जारी है लगातार बाड़मेर से न्यूज 18 राजस्थान के चुनाव एक्सप्रेस, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, बाड़मेर से चुनाव एक्सप्रेस यहां पर चल रही है। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, लोगों के सवालों की बौछार बहुत सारी यहां पर बीजेपी से, कांग्रेस से हो रही है और आरएलपी के अपने दावे और वादे। एक बार फिर से सवालों का सिलसिला यहां से शुरू करता हूं, आपका क्या सवाल है? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी, जिन्होंने 19 जिले 3 संभाग बनाए, क्या क्या योजनाएं दी है, इसका पूर्ण रूप से जनता से पूछो, हकीकत सही है गलत है? दोनों पार्टी मुद्दे कर रही है, गलत है? बिल्कुल, मैं आता हूं। ये देख भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि बाड़मेर को भी कहा जा रहा था कि संभाग बनाया जाए, बाड़मेर को संभाग क्यों नहीं बनाया गया? बाड़मेर को संभाग बनाना चाहते थे क्या आप लोग? क्यों नहीं बनाया? अगर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और उसमें संभाग के स्तर का अगर मामला है, तो जो 19 जिले बनाने में एक जिला बनाने, जो कमेटी बनाई थी उसकी सिफारिश लागू होने से पहले ही जिलों की घोषणा कर दी, तो ऐसी कौन सी कमेटी आएगी? और अगर सरकार नहीं आई तो फिर क्या बनाएंगे? फिर कांग्रेस की सरकार 101% आएगी और संभाग बाड़मेर में संभाग। बीजेपी क्या वादा करती है कि अगर सरकार आती तो बाड़मेर को संभाग बनाएगी? बिल्कुल बनाएंगे, मैं तो एक निवेदन कर आपको बताना चाहूँ, ऐसा ना हो कि जो संभाग और जिले बने उनको वापस कर दें। मैं तो जिस तरीके से जिलों की घोषणा हुई है, पहले मैं ये कहना चाहूंगा, क्या बजट का प्रावधान किया? एक जिला मुख्यालय को डायलॉग करने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता होती है, एक भी? अभी तो हाल ही में 2-3 जिलों की ऐसी घोषणा हुई, तुरंत चुनाव के। मतलब ये आप भूमिका बना रहे हैं कि आप सारे, अगर बीजेपी की सरकार आती है सारे जिला संभाग को खत्म कर देंगे। एक सवाल यहाँ एक युवा ने पूछा था कि 5 रुपए पट्टे वितरित किए गए लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं मिले, ये बताइए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि युवा झूठ बोल रहे हैं, 5 रुपए में कहीं प्रावधान नहीं था, 5 रुपए में पट्टे देने का कहीं प्रावधान नहीं था, एक पट्टा था जो पुरानी आबादी थी। ये बात अच्छी है, 500 रुपए दीपक जी, ये बात अच्छी है कि कोई सवाल पूछता है तो आप उसको कह देते हो कि ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप कह देते हो कि झूठ बोल रहे हैं। आ रहा हूं। भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, आप अकेले नहीं है, और भी हैं। बाड़मेर में यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, यहाँ पर पिछले 15 साल से उनका एक तरफा राज रहा, बीजेपी पार्टी किसी कारणवश हार गई, लेकिन इस बार प्रियंका चौधरी भारी मतों से जीतेंगे और 15 साल का सूखा टूटेगा और आम जनता काम होंगे। जिस तरह से पानी की समस्या, बिजली की समस्या, भ्रष्टाचार, सभापति पर आरोप लगे, उस सभापति ने इस्तीफा दिया, इनके पार्षद धरने पर बैठे और लगातार इन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन ये छिपा रहे हैं और हम इस बार ये 15 साल का सूखा टूटेगा। बताइए आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झूठ कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पट्टे बोल रहे, झूठ बोल रहे युवा, क्यों इन्होंने पट्टे जारी किए? क्या जो पट्टे हमारे हैं ना, इन्होंने दिए तो हमें बता दूं कि आपके पट्टे दिए।
सर बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात सिद्धांतों की होनी चाहिए। दोनों पार्टियों का काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का। आप हमसे मुद्दे उठाइए ना हमारे सामने। मुद्दे आपने उठाए और आपने पूछा, बार बार पूछ रहे हैं। इसके बाद एक मुद्दा जो उठाएगा प्रियंका, प्रियंका जी का यहाँ पे मुद्दा ये उठा प्रियंका चौधरी जी का कि वो जीतेंगे बीजेपी से बगावत करके या बीजेपी से नाराज होकर क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। अब वो लोगों के बीच में बाड़मेर में जा रही है और मायरा मांग रही है कि मुझे आप जिता दो लोगों के बीच में जाकर। देखिए वोट मांगने का अधिकार सभी को है, वो तो 3 दिसंबर को मालूम चल जाएगा। 25 को मतदान है। मनाएंगे नहीं, नामांकन वापस नहीं करवाएंगे प्रियंका जी का? बिल्कुल मनाएंगे, कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि प्रियंका जी को मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ बैठी 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 हो गया, बार बार नहीं, अब इधर भी। मेरा सवाल भाजपा से है, उनको ये पूछिए 2014 और 2014 से लेकर कंटिन्यूस कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बाड़मेर के अंदर और बाड़मेर जिले में रिफाइनरी के अंदर पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम 37,000 करोड़ का टेंडर लगा था और काम हो रहा था। जब बीजेपी की सरकार आई वसुंधरा की, वो सरकार ने ना कि वो टेंडर को बंद किया और 72,000 करोड़। तो फिर अशोक गहलोत जी की सरकार में काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? काम शुरू हुआ। और उनको ये पूछिए कि रेल का जो 5,000 करोड़ बाड़मेर का बजट दिया था वो बजट कहाँ है आज की तारीख? बिल्कुल पूछूंगा, सवाल पूछूंगा आपका सवाल, एक मिनट आता हूँ। सर बाड़मेर में जो पट्टों की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बाड़मेर नगर पालिका में पहली बार पट्टे ऐसे वितरित किए, प्रथम बार दीपक जी चेयरमैन सामने पट्टे दिए। और मैं आपसे आदरणीय दिलीप जी पालीवाल से मैं सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पहले सुनिए सर, बोलिए। हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है और मुस्लिम लोकतंत्र देश का मैं निवासी हूं, हिंदुस्तान का वतन की मोहब्बत ईमान का पहला हिस्सा है। तो कांग्रेस ने राजस्थान में 7 उम्मीदवार खड़े किए कांग्रेस से, बीजेपी ने 1 उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया। एक यूनुस खान को जो वसुंधरा ने खड़ा किया था वो भी निर्दलीय खड़ा हो गया। ये सवाल भी बनेगा, देखो मेरी बात सुनो, हिंद को नाज है कि वो निशानी हम है, हम का मतलब हाँ का मतलब हिंदू और माँ का मतलब मुसलमान, दोनों को मिलकर हम बन गया। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, ऐसी खजान रखेंगे, मंदिर रखेंगे, मस्जिद रखेंगे और सबसे पहले हिंदुस्तान की शान रखेंगे। मेवा राम चैन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक मिनट अरे आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है भाई, बोलो आप। मेरा सवाल ये बीजेपी से है, बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ललित मोदी ने किया है, ये मेरे 1,00,000 रुपए खाके गए हैं ललित मोदी, मैं लोहे का काम कर रहा हूँ, चोर है ललित मोदी ये सब। ये बताइए बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, 200 सीटों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए बीजेपी है जो जीता उम्मीदवार के पे विश्वास करती है, जहाँ तक ये मुस्लिम भाई कह रहा था, मैं इनको कह रहा हूं ये 3 तलाक का मुद्दा ठीक है, नहीं 3 तलाक पे नहीं, 5,000 करोड़ रुपए का जो रेल की परियोजना थी, जो सवाल पूछा गया वो कहां चला गया? इन भाई को कहना चाहता हूं कि रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन वो क्या ऐसा ही हो गया? अभी रेल का रेलवे स्टेशन का रिन्यूलेशन चल रहा है, बालोतरा रेलवे स्टेशन का रिन्यूलेशन चल रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा। तुष्टिकरण के आरोप बीजेपी लगाती है और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर देते हैं जब भी चुनाव आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासन है, आप देख लो अनुशासन के अंदर बैठे हैं और हमारा विजन विकास है, विकास के अलावा हमारे पास में बीजेपी हमेशा ही जातिवाद को धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिदों के नाम पे लड़ाती है, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष देश के निवासी है और कांग्रेस पार्टी विकास के विजन के ऊपर विश्वास। अमित शाह जी ने बड़े हमले किए, कहा कि जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हो गई और बाकी तरह की भी बातें उन्होंने कही कि जब जुलूस निकाले जाते हैं हिंदुओं के तो फिर बंद कर दिया जाता है और PFI को लेकर यहाँ पर जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है। बिल्कुल सही है, यहाँ हिंदू त्योहारों पे 144 धारा लागू कर दी जाती है, 9 वर्ष का जो जुलूस निकलता है कागरौली में उसके ऊपर एक धर्म विशेष के स्थान से हमला किया जाता है, उसके बाद में दंगे होते हैं। तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है, उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की गला के रेत कर हत्या कर दी जाती है, कई ऐसे दंगे हैं, जोधपुर का दंगा, भीलवाड़ा का दंगा, करौली का दंगा, उदयपुर का दंगा, कितने दंगे बताए। देखिए सर ये भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से यही रहा है कि कहीं पर दंगे कराएं, बातें करें, बाकी मैं बात इनसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से कि जब बजरी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बजरी जब बिकने लगी तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कहां थे उस ठेकेदार? बिल्कुल बजरी की बात यहां पे करूंगा, लेकिन आपको क्या दिक्कत है जब आप, क्या आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से यहां पर जवाब दिया जाए? शांति से रहिए, आपके हिसाब से जवाब थोड़ी आएगा यहां पे। एक मिनट रुके,
जवाब उनको जो देना होगा वो देंगे ना, आपको जो सवाल पूछना है आप उनके अपने हिसाब से थोड़ी जवाब चाह रहे हैं, शांत रहिए। सामने बैठे युवाओं ने एक आरोप लगाया था कि यहाँ स्थानीय विधायक भ्रष्टाचार करते हैं, वो स्थानीय विधायक का भ्रष्टाचार तो नहीं है पर इनके ये केंद्रीय मंत्री जी जो देवाराम जी ने इल्जाम लगाया, इनके ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है 400 करोड़ का घोटाला किया गया है सतपाल मलिक जी के साथ रह के, प्रियंका जी ने कभी टिकट नहीं मिला है, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, बीजेपी तो बीजेपी से ही लड़ रही है, हमारे को लड़ना ही नहीं है। जी जी सर, मेरा कांग्रेस से क्वेश्चन है, राजस्थान में दलितों पर इतने अत्याचार, दलितों को मारा काटा गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिलाओं को मारा, इसके ऊपर स्थानीय एमएलए ने और गहलोत सरकार ने क्या एक्शन लिया बताएं? फिर से बोलिए। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, दलितों को मोट के घाट उतारा गया है, स्थानीय एमएलए ने और गहलोत सरकार ने कितने का महिलाएं बिल्कुल महिलाओं से ही पूछूंगा, महिला अत्याचार की और महिला उत्पीड़न की बात कही जा रही है, आप खुद भी महिला हैं, बाड़मेर में कितना सुरक्षित है, राजस्थान के अलग हिस्सों में जाते हैं कितना सुरक्षित है, बिल्कुल एक महिला होने के नाते बताइएगा। महिला होने के नाते हम लोग अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी तो ये रात की डिबेट के समय भी हम लोग आए हैं, हमारे बिल्कुल सही है, हम लोगों आराम से दिन में भी आते हैं शाम को भी आते हैं, अभी नाइट है, अभी हम लोग 3-4। आप क्या कहें? ऑल ओवर राजस्थान की बात करिए ना आप, राजस्थान में आए दिन 17 से 18 ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, और प्रियंका गांधी आके कह रही बेटी हूँ लड़ सकती, तो राजस्थान का टाइम चुप हो जाती है, वो छोटी छोटी बातें लिफाफे निकालती है, तो आप बेटियों को न्याय दिलाओ ना, जो राजस्थान में घटनाएं हो रही है, जो एक कांग्रेस सरकार कह रही महिलाएं सुरक्षित है, मैं लिस्ट बना के लाई हूँ, डूंगरपुर में एक शारीरिक शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ रेप किया गया, कोटा के मावली में एक भील बच्ची के साथ रेप किया गया, उदयपुर भीलवाड़ा में एक बच्ची को कोठी में जिंदा जला गया, और शांति धारीवाल ने सदन में खड़े होकर कहा बेशर्मी से कि राजस्थान नंबर वन है क्योंकि वो मर्दों का प्रदेश है, ये बड़े शर्मनाक की बात है, और भी करौली में जिस तरीके ठीक बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको बाड़मेर की बात बताता हूँ, बाड़मेर में विधायक मेवाराम जी 15 साल से लगातार आ रहे हैं, जनता ने चुना है उनको, चौथी बार भी जिंदा धोने की उनको सबसे ईमानदारी से काम किया, तो यहाँ के स्थानीय विधायक मोदी ने काम किया, चेयरमैन साहब ने रात सीढ़ी लगाकर घर घर के बच्चों पट्टे बांटे, ईमानदारी के साथ काम किया, कोरोना काल के अंदर हमारी जान की परवाह किए बिना यहाँ के स्थानीय मोदी मेवाराम जी की सरकार बनेगी। सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती शिक्षा, खाना और आवास की, तो आपको बता दूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, आप यहाँ पे प्रवक्ता की सवाल करिए, प्रवक्ता की बात। सर मैं ये कहना चाहता हूँ शहीद वीराराम का स्मारक इन कांग्रेस वालों ने वादा करके नट गए थे और उसका अभी तक नहीं बना, और इसको शहीद स्मारक नहीं मिला बिल्कुल। यहाँ पर अगर स्थानीय समस्या की बात करें, सीवरेज की समस्या एक बड़ी समस्या, यहाँ पर बिजली की समस्या मानी जाती है, पानी की समस्या यहाँ पर है, और भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की बात कही गई वो भी यहाँ पर नहीं आया गया, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? बाड़मेर के अंदर 200 करोड़ रुपए का राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी ने और बाड़मेर के विधायक के प्रयासों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे कृषि कॉलेज, यहाँ पे महिला कॉलेज, और स्कूलों को चाहे कर्मण करने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, किसी प्रकार की कुछ काम बचा ही नहीं करने के लिए बीजेपी को, तो क्या करेंगे सरकार में आगे? मैं बताऊं आपको, जब ये सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार 2013 से 2018 थी, 55 में से 19 वार्ड को सिविल लाइन से जोड़ा, कनेक्शन से जोड़ा, और इनकी राज में आने के बाद में एक इंच भी सिविल लाइन नहीं बिछाई गई। सिविल लाइन बिछे, सीवर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, सिविल लाइन को बहुत प्रॉब्लम है ही है। मैं बात करूंगा यहाँ पर, आप देखिए पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी यहाँ बाड़मेर के अंदर लग रही है, तेल यहाँ अथा तेल के भंडार है, लेकिन जितना सीएसआर का फंड आता है, इतना फंड आता है कि राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर जिले को नहीं देखना पड़े, लेकिन यहाँ के कांग्रेस और भाजपा के नेता जो बारी बारी से सीएसआर फंड खा जाते हैं, एक रुपया भी जनता को। पचपदरा की रिफाइनरी को लेकर युवाओं को क्या रोजगार यहाँ पर मिला है क्या? एक मिनट, आपसे बात हो गया? हाँ, क्या जी सर, मैं ये आप फिर आ गए, अभी हो गया ना आपसे, कुछ और को मौका दीजिए ना। माननीय मुख्यमंत्री साहब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सबकी मेवाराम खुद की सीटी आ रखी है, उनकी सीटी और ईडी की, मेवाराम ने सीडी के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के विधायक खड़े हैं उनको कि आज तक कितने पट्टे जारी किए आपने, 500 रुपए में कितने पट्टे जारी किए, एक बड़ा ध्वजारोहण बनाया जो ये क्या है? ये अभी रेलवे स्टेशन का फोटो है, सीवरेज का, ये देखो गंदगी, ये रेलवे स्टेशन का जस्ट वन फोटो है, ये देखो 7-58 पर
जी जो राजस्थान के अंदर कंपनी का फंड आ रहा है, इतना फंड आता है राजस्थान के मंत्री उस पैसों से तुल जाए ना तो ही वो खर्च नहीं कर पाएंगे और सारा फंड खुद ही रख लेते, जनता के लिए कुछ, शिक्षा के लिए खर्च नहीं कर रहे। अग्निवीर की भी कुछ आपे। बिल्कुल, भारत के सैनिकों पर पूरा विश्व नाज करता है। नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर के नाम का एक जो पोपर गंडा लाया जिससे पूरे भारत देश के युवा नाराज है। ये मोदी हमेशा युवाओं के साथ धोखा करता है। रही बात कांग्रेस सरकार की, जिन्होंने युवाओं को बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं को यहाँ पे राज्य सरकार से भी उम्मीद है, केंद्र सरकार से भी उम्मीद है। भले ही आप डबल इंजन और सिंगल इंजन की बात करें, एक मिनट आ रहा हूँ। देखिए, बार बार सबके पास जाना मुमकिन नहीं होगा, प्लीज। सर, बाड़मेर का एक ही मुद्दा है कि प्रियंका चौधरी ने जो झोली फैलाई है उसको बाड़मेर की 36 कौम भरेगी। इस बार 36 कौम बाड़मेर की प्रियंका की झोली खाली को भर देगी। देखिए, आपने इतने अच्छे यहाँ पर सवाल और इतने संयमित तरीके से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इस डिबेट को हम थोड़ा और खींचेंगे, हम और चर्चा करेंगे। इसी संयमित तरीके से बातचीत करते रहिए और अपनी तर्कों को रखते रहिए। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद अपने सवाल रखिएगा। इसलिए ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं। चुनाव एक्सप्रेस आज बाड़मेर से लाइव है और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं, बात करेंगे बाड़मेर की जनता से। स्टैंड बाय, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुद्दों समेत हमने देश के मुद्दों पर भी चर्चा की, लेकिन चूंकि बाड़मेर में है तो बाड़मेर के कई मुद्दे यहां पर उठे हैं, लेकिन कुछ और समस्याएं यहां पर क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और जिस संयमित तरीके से यहां पर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से रखेंगे। बाड़मेर के स्थानीय समस्या और मुद्दे की अगर बात करें तो क्या है? सर, बाड़मेर की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ लोगों के पास पट्टे नहीं थे, लेकिन जो पट्टे जारी किए उन पट्टों में इतना घालमेल किया इन्होंने कि किन्होंने, यहाँ जो चेयरमैन साहब विराजे हैं और यहाँ के जो विधायक महोदय, और क्या समस्या? मैं बताऊं साहब, यहाँ के जो विधायक महोदय वो पूर्व में यहाँ के चेयरमैन थे, उस समय जो पट्टे जारी किए थे उनकी इंक्वायरी आज तक हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट से। और क्या दूसरा, यहाँ जो सीवरेज की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या, इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ भूमाफियों की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ शराब माफियों की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है जो समस्या ही नहीं हो। आप क्या बोले, क्या समस्या है? सर, यहाँ पर ऑल आर टोटल सर सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या है बलदेव नगर वासियों का। एक बार आप यहाँ पर जितने भी आए हुए उनसे पूछिए। उसके बाद सर अवैध खनन की सबसे बड़ा सर, अवैध मतलब जमीनों पर अतिक्रमण की, अवैध कब्जों की। सर आप किस वे में उपलब्धि तो यहाँ पर बहुत, दीपक जी देखिए बताइए, लेकिन सवाल पहले तो ये बताइए कि जो समस्याएं यहाँ पर उठाई गई स्थानीय तौर पर, चाहे पट्टों की हो, अवैध खनन की हो, बजरी की भी यहाँ पर लगातार आरएलपी की तरफ से बात आई, ये समस्या मानते भी है कि नहीं मानते हैं आप? ये समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल रखने दूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो पट्टों के अंदर शिथिलता दी थी उसमें से 17,000 बाड़मेर में पट्टे देकर राजस्थान के अंदर बाड़मेर प्रथम स्थान पर आया है और जनता के अंदर एक बड़ी जो जटिल समस्या थी उनकी राहत मिली है। और इसी की बदौलत मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर लगातार ये जो बात करें माननीय विधायक साहब की, माननीय विधायक साहब यहाँ चेयरमैन थे और चेयरमैन के बाद भूमाफिया सीवरेज की समस्या यहाँ पर है, अवैध बजरी खनन की समस्या, मैं बता रहा हूँ आपको, तीन बार लगातार जो बाड़मेर विधानसभा ने उन्हें भारी मतों से जीता कर विधानसभा में भेजा था, इसका मतलब लोग लोगों के दिलों में राज करते हैं। अब ये बातें करते हैं लेकिन अब चुनाव है, ये राज जाने में वक्त नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, ये जो सीवरेज की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने 97 करोड़ रुपए बाड़मेर के विधायक के प्रयासों से बाड़मेर में दिए। बीजेपी क्या कहेगी, ऐसी क्या समस्या यहाँ पे है कि बीजेपी को यहाँ पर जितवा देगी जनता? मेरी बात सुनो, अभी जो फर्जी पट्टों का बताया, मैं ये कहना चाहूंगा फर्जी पट्टों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे उठाया, स्वयं मेवाराम जी ने स्वीकार किया कि नगर परिषद में फर्जी पट्टे मिले बने, एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठाई, मैंने इतना बड़ा पुलिंदा दिया एसडीएम साहब को और जांच नहीं हुई। मैं तो चेयरमैन साहब से ईडी भेज दीजिए ना फिर, अगर जांच नहीं हुई तो। यहाँ पर जो बात हो रही है फर्जी पट्टों की, तो मैं या कांग्रेस के जो मेरे साथी खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे सभापति भी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करने की बात मेवाराम जी की, वो आज इनके साथ भी नहीं है, वो कहाँ है? उनको पूछो, मेवाराम जी के साथ क्यों नहीं घूम रहे वो लोग, वो कहाँ है? वो ठीक है, यहाँ पे कुछ सवाल है, एक आराम से। हाँ, राजस्थान की जनता ने बीजेपी को 25 सांसद दिए पिछली बार, इस बार 24 दिए,
एनआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित करते? ईआरसीपी, हाँ ईआरसीपी को, बोलो बोलो। यही है हमारा, तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, भाजपा के लोग ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बाड़मेर में स्थानीय स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं। ये दोनों ठग बंधन, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भगत कह रहे हैं लोग, दोनों पार्टियां ठग है, चोर है, एक एक पार्टी पेपर लीक करा रही, दूसरी उसका विरोध नहीं कर पा रही है, विपक्ष बहुत कमजोर है। बीजेपी वाले लोग समर्थन में कांग्रेस। सर मैं माननीय दिलीप जी पालीवाल से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं अगर राजस्थान में विकास नहीं हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि राजस्थान में अगर सरकार हमारी आई तो हम उनकी योजनाओं को लागू रखेंगे? ईआरसीपी को क्यों लागू नहीं किया गया और ये क्यों कहा जा रहा है कि जो राजस्थान की योजना है उनको चालू रखेंगे, लागू रखेंगे? देखिए ईआरसीपी की योजना के लिए समय समय में केंद्र सरकार ने कोई सुझाव दिए थे, राज्य सरकार नहीं मान रही, इनको केवल मुद्दों को जीवित रहना था। हमारे जल शक्ति मंत्री जल जीवन मिशन के लिए 36,000 करोड़ रुपए का रुपया दिया और जो इन्होंने जल जीवन मिशन में हर घर जल हर गल जल की योजना को ठप रखा, अभी ईडी आई सीबीआई आई, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ जो अखबारों नहीं, वही तो कांग्रेस यही तो कह रही है, जब चुनाव आ रहे हैं तो ईडी सीबीआई आप लेकर आ गए। बाड़मेर विधायक साहब बहुत बड़े भूमाफिया है, इनके साथ घूमने वालों ने करोड़ों की जमीन दबा के रखी है। बाड़मेर के विधायक साहब ने जितने फर्जी पट्टे बनाए यहाँ का आयुक्त जेल गया था। ये बड़ा आरोप लगाया, देखिए बताइए। सर मैं आपको कहूंगा कि अगर भूमाफिया है तो लगातार 3 बार विधायक, 1 बार चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान, सभी हमारी पार्टी के जीत रहे हैं तो इनको पूछोगे आप क्या? सर बाड़मेर विधायक महोदय ने विकास के नाम पे 52 मिनट की सीढ़ी दी है, वो जनता देख रही है, बाकी कुछ नहीं दिया है। सर ये दोनों पार्टियां सुबह चौराहे पे आती है, चाय पीती है, उसको बोलती है तू उस गली में निकल, मैं इस गली में निकलता हूँ। सर 3 बार मेवाराम जी के एमएलए बनने का एक बड़ा कारण है, बीजेपी की गलतियों से बन रही है, विकास से नहीं बन रहे मेवाराम 3 बार एमएलए। जी जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, हाँ मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ये बीजेपी वाले कह रहे चोर है, राजस्थान में ईडी का खुद अधिकारी यहाँ पे पकड़ा गया, वो केंद्र से आया वो चोर है, यहाँ राजस्थान वालों को चोर बोले वो कैसे पकड़ा गया? और दूसरी बात मेरी एक कहना कि यहाँ पे इनको बीजेपी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इनको पूछो कि बीजेपी के नामांकन में कितने आदमी थे, बीजेपी के नामांकन में कितने आदमी थे, कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिला क्या? ये भी बड़ी बात कही है, आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, कितने आदमी आए थे नामांकन? दीपक कड़वासरा कैंडिडेट है और उसके ठीक है, पीछे भी गुजरता हूँ, पीछे भी आता हूँ, अब आपका देख मैं आपके पास हो गया डबल जी, एक मिनट राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक है, सबसे भ्रष्ट है मेवाराम विधायक यहाँ का, और नगर परिषद है ना कि राजस्थान में सबसे भ्रष्ट है दीपक जी माली, जो 500 करोड़ का घोटाला किया है, उनके नगर पार्षद यहाँ धरने पे बैठे, ये किस मुंह से कहे भ्रष्टाचार? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, और इन्होंने अगर 10 मिनट भी बरसात हो जाए बाड़मेर में तो पूरा बाड़मेर कवरेज हो जाता है, बाहर निकल रहा बाहर अंदर अंदर रह जाता है। सर वहाँ से आवाज आ रही बार बार सीडी, ये सीडी क्या है? मैं पालिका अध्यक्ष से पूछता था, सीडी वाला मामला क्या है? मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि जो पेपर लीक हुए हैं, यूआरओ के पेपर लीक हुआ है, जो अभी भर्ती रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, क्या बीजेपी सरकार आती यूआरओ की वैकेंसी रद्द करेगी? जो पेपर लीक हो रखे उनकी सारी वैकेंसी रद्द करी जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ? वो इंजीनियर कॉलेज में व्यापारियों के 25 लाख रुपए अटके हुए पड़े हैं, जिन्होंने इंजीनियर कॉलेज में सामान दिया था व्यापारियों ने, उनके आज तक 25 लाख 4 वर्षों से अटके हुए पड़े हैं। जी आ रहा हूँ। बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका चौधरी को टिकट न देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जो लगभग सभी विधानसभा सीटें। समस्या सवाल, हाँ बोलो सवाल। बीजेपी की कंडीशन है कि 10 लोग ही नामांकन में गए हैं सिर्फ और सिर्फ, और उन्होंने गलत आदमी को टिकट देके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पश्चिम राजस्थान में भाजपा किसान वर्ग को समाप्त करने जा रही है, वो लगातार किसान वर्ग की टिकटें काट रही है, और पश्चिम राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस की वापस सरकार बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ सर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, सरकार को आचार संहिता के लगने के 1 महीना पहले अन्नपूर्णा का पैकेट देके ये क्या साबित करना चाहते हैं? 4 साल निकलने के बाद में सरकार के ग्रामीण 4 साल में जनता भोगी। एक दो सवाल यहाँ पे, हाँ बोलिए। बाड़मेर के अंदर यहाँ के विधायक ने पत्रकारों को पिटवा करके हाथ पांव तुड़वा दिए, 3 पत्रकारों को ऐसा पीटा कि उनकी जान पर बनाई, और कोई सवाल उठाता है तो वो मार पीट करवा गायब करवा देते हैं। ये जनता की आवाज दूर तक जाती है और इसकी गूंज दूर तक होती है। जी
सर बाड़मेर में आईटीआई कार्यकर्ता संबल सिंह द्वारा विधायक मेवराम जैन के खिलाफ सूचना दी गई, सूचना मांगी गई और उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जब उन्होंने सीधा आरोप विधायक पर लगाया, जबकि विधायक पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्रेमदान देखा मेरे सहयोगी और मेरे संवाददाता बाड़मेर से, देखिए प्रेमदान बहुत ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई या राजस्थान के मुद्दों और मसलों पर बातचीत हुई और लोगों में नाराजगी ना सिर्फ बीजेपी को लेकर है, ना सिर्फ कांग्रेस को लेकर है, बल्कि यहां के प्रत्याशियों को लेकर भी बहुत नाराजगी देखने को मिली है। आज की चर्चा आप कैसे देख रहे हैं अभी तक? देखिए अभी जो बाड़मेर के लिए चर्चा हुई है बहुत ही सहज चर्चा हुई है और लोगों ने जो मुद्दे उठाए ये मुद्दे कहीं ना कहीं अहम मुद्दे होते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं ये लगातार लगते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी लगते आए हैं, इनके खुद के लोगों ने भी लगाए, तो ऐसे चुनावी मुद्दों में आते ही है। लेकिन जो जन समस्या है वो लोग कम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर लोग जातिगत की बात करते हैं लेकिन मुद्दों के ऊपर बात कम करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर एकदम जिस तरीके से मुद्दे सामने आए हैं, बाड़मेर के मुद्दे, चाहे सीवरेज की बात करूं, चाहे सड़क की बात करूं, चाहे निचली बस्तियों में विकास की बात करूं, तो वहां पर विकास नहीं हुआ। जो नगर परिषद में आया वाजिब बात है कि विकास नहीं हो पाया है, यही कारण है कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, नाराजगी। जाहिर तौर पर इस गुस्से और नाराजगी के लिए आखिरी 15-15 सेकंड में तीनों मेहमानों को दूंगा और जो यहां पर जितनी मुद्दे और बातें और शिकायतें यहां पर उठी हैं उन 15 सेकंड के जरिए आप यहां पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बाड़मेर के अंदर विकास इतना ज्यादा हुआ है कि आम जनता खुश है और हम आपको 3 तारीख को बताएंगे ये सीडी, हाँ ये सीडी नीडी कह रहे हैं ना, ये इन विरोधी पार्टियों की पिछले 3 चुनाव के अंदर, इनको बोलो मैं सीडी लेके आओ ना, आपके पास सीडी बताओ, ये ईडी और सीडी इतने आरोप लगा रहे हैं और ये विकास की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जनता की नाराजगी दूर कैसे करेंगे? जनता की नाराजगी हमारा शासन आएगा दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे। लास्ट, बजरी की जो दर है वो आम आवाम के लिए बहुत ज्यादा है, जो बजरी की दर प्रति टन 50, आप बजरी पर ही अटके हुए हैं सरकार बनाने। सबसे बड़ा मुद्दा है बाड़मेर का, बाड़मेर के आम आवाम की जो 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 उसको घर बनाना है। हर किसी के लिहाज से अपने बड़े मुद्दे हैं और बड़े मुद्दों को उठाने की यहाँ पर न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस टीम ने पूरी कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमने सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चुनाव एक्सप्रेस बाड़मेर से, आज फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान।